हेलो दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज के टास्क में आज हमको क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, क्या हमें टास्क कवर करना है। और न्यू मेंबर के लिए हम बता देना चाहते हैं, अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट टीचर्स की तैयारी करते हैं तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं, जिससे अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इम्प्रूव और एनहांस कर सकते हैं। ये टास्क बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए, आज आपकी तैयारी का यहाँ पर 40वां दिन है और आज 2 सितंबर है। तो आज आपको यहाँ पर हिस्ट्री जो 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको देखने को मिलेगी, जो आप लोग पढ़ रहे थे उसी को आप लोगों को पढ़ना है, जिसका नाम है द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा पार्ट 2। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि सेम नाम से आपको 3 यहाँ पर बुक देखने को मिलेगी, पार्ट 1, 2 और 3। ओके, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे होंगे तो अब आप लोग समझ गए होंगे। इसका आपको जो लेसन नंबर 9 है वो आप लोगों के लिए पढ़ना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ब्रीफ वे में आपको इसको पढ़ लेना है और इसके जो भी की पॉइंट्स होंगे वो हम आपको लिखा देंगे। तो इसके नोट्स आपको नहीं बनाने हैं, बस आपको थोड़ा सा इसकी एक तरह से जो क्रम है वो आपको देख लेना है। ओके, स्टोरी फॉर्म में आप लोगों को पढ़ लेना है। इसके अलावा देखिए, अगर हम रिविजन की बात करें तो देखिए रिविजन किसका करना है, तो रिविजन आप लोगों को टास्क नंबर 6 का नेक्स्ट का जो आपको 1/4 पार्ट है वो आपको रिविजन कर लेना है। 2 दिन हो गए हैं आपको इसके रिविजन करते हुए, तो आज भी इसका रिविजन करना है और कल फाइनल जितना भी टास्क दिया गया था वो आपको रिवीजन कर लेना है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस टैक्स में आपको बता चुके हैं टैक्स नंबर 6 में क्या दिया रखा था। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की जो हमने क्लासेस कराई हैं, उन क्लासेस में जो क्लास नंबर 6 है उस क्लास को आप लोग कवर कर लीजिए जाकर, मतलब आप लोग जाकर के रिविजन कर लीजिए, जाकर के नोट से ही आपको रिविजन करना है। ओके, और जिन लोगों ने क्लास नहीं की है इकोनॉमिक्स की, तो उन्हें परेशान नहीं होना है, वो क्लास कर ले जाकर के। हम इसका लिंक भी आप लोगों के लिए नीचे दे देंगे, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को दे देंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मैसेज कर दीजिए, तो आप लोगों को सेंड भी कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों के लिए आज का जो भी न्यूज़पेपर है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको वो सभी के सभी बहुत अच्छे से पढ़नी है, नोट सभी नहीं बनाने आप लोगों के। इसके अलावा शाम को 6 बजे आप लोगों की एक क्लास होगी। इसके अलावा देखिए, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो लास्ट में आप लोगों को देंगे, पहले मैपिंग लोकेशन देख लेते हैं फिर आपको बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अफ्रीका की कुछ आपको रिवर देखने को मिलेंगे जो फिजिकल मैप पर आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएंगी। जैसे देखिए, पहली रिवर है वो नाइजर रिवर आपको देखने को मिलेगी। तो नाइजर कहाँ पर है ये देखिए आपको देखने को मिलेगी, ये नाइजर रिवर है और इसी नाइजर रिवर से एक बेन्यू रिवर है ना वो आकर के मिलती है। तो देखिए, वैसे चांड लेक आपको इधर देखने को मिलेगा, उसी चांड लेक से निकलती है आपको बेन्यू रिवर, आकर के ये नाइजर रिवर में आकर के मिल जाती है। फिर ये नाइजर रिवर है, आप लोग जानते हैं कि ये नाइजर रिवर है, ये जो गिनी का कोस्ट है ना उसमें अगर गिरती है। लेकिन इसमें भी हम आपको बताए थे कि यहाँ पर ब्राइट ऑफ बेनिन आपको देखने को मिलेगा, इस ब्राइट ऑफ बेनिन में गिरती है। और अगर हम पूरे रूप से देखें तो ये क्या है, गिनी की एक तरह से आपको खाड़ी देखने को मिलेगी। तो बहुत ही सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों के लिए। ओके, इसके अलावा देखिए आपको बोल्टा रिवर देखने को मिलेगा, ये कहाँ से निकलती है, बोल्टा लेक से निकलती है। तो बोल्टा रिवर कहाँ है, तो ये देखिए बोल्टा रिवर आपको देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये देखिए आपको ये बोल्टा रिवर आपको देखने को मिलेगी, ये भी गिनी की खाड़ी में ही गिरती है आकर के। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर गैम्बिया आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ पर है, तो देखिए आपको इस तरह से यहाँ पर बनी हुई नहीं है, मैं आप बना देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो गैम्बिया है वो यहाँ पर आकर के मतलब जाती है और ऐसे जा करके यहाँ पर निकल जाती है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर सिनेगल रिवर, तो देखिए सिनेगल रिवर है, इसके जस्ट ऊपर आपको ये सिनेगल रिवर आपको देखने को मिलेगी। और ये देखिए, ये सारी की सारी जो रिवर है ये कहाँ पर गिरती है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है। इसके अलावा देखिए, 2 और रिवर है, देखिए एक आपको लिम्पोपो देखने को मिलेगी। लिम्पोपो कहाँ पर, जैसा आप लोग ऑरेंज रिवर जहाँ पर देखे थे, तो उधर ही आप लोग साइड में खोजिएगा जाकर के, यानी कि जो अफ्रीका है उसके साउथ में आएंगे तो आपको लिम्पोपो रिवर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए आपको जाम्बेजी रिवर, तो जाम्बेजी रिवर ही आपको दिख जाएगी। ओके, तो देखिए इंपॉर्टेंट कुछ रिवर है, इनको आपको अपने एटलस पे खोजने के बाद में आपको एक लोकेट कर लेना है। इसके बारे में हम बाद में आप लोगों को पढ़ाएंगे मैपिंग के साथ में। देखिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों की, यहाँ पर मंडे से देखिए आप लोग देख सकते हैं कि 5 सितंबर से, इसी मंडे से आप लोगों का पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आईआर की क्लासेस है वो आपकी फिनिश हो जाएंगी शनिवार तक, और आईआर के बाद में हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो बहुत अच्छे से हमको प्रीमियम क्लासेस आप लोग दी जाएंगे, यहाँ पर प्री और मेंस दोनों के लिए हम पॉलिटी को कवर करेंगे, साथ में आप लोगों के प्रॉपर नोट्स भी बनवाए जाएंगे। तो सब कुछ यहाँ पर A to Z आपको दिया जाएगा, तो आखिर की इसको जरूर ज्वाइन करिएगा इस मंडे से। तो जो लोग न्यू मेंबर है वो लोग आकर के ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेस को। ओके, और जो प्रीवियस क्लासेस है उनको आप लोग डेली आधी या एक क्लास करके
अटेंड करते रहिएगा, जो प्रीवियस क्लासेस जो रह गई हैं तो वो आराम से आप लोग कवर कर लेंगे 2-2.5 महीने में, क्योंकि अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं। और पॉलिटी को आप लोग आकर के लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 6 बजे, 6 PM पर आप लोग आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और एक क्लासेस प्री और मेंस दोनों, सॉरी ये आपको IAS और PCS दोनों के लिए होंगी, और साथ में IAS और PCS का जो प्री और मेंस होगा उन दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी, यानी कि एक तरह से कंबाइंड क्लासेस चलने वाली है। सभी लोग आकर के ज्वाइन करिएगा क्लास, और अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन को दबा लें, जिससे सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और आज के लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहे।